बुलेटिन को स्वागत। राहुल गांधी को घरे दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को बासभवन आगे बैरिकेटिंग सह व्यापक फोर्स मुतयन करा जायछि। श्रीनगर राहुल देइथिबा बयान को नै दिल्ली पुलिस तांको बासभवन रे पहुंचीछि। दिल्ली पुलिस रो स्पेशल सीपी एवं डीसीपी वर्तमान राहुल गांधी को दिल्ली स्थित बासभवन रे उपस्थित अछन्ति। एक घंटा अपेक्षा करबा परे भी राहुल को भेटी पारि नहांती। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा रो शेष दिन रे एक बयान देइथिले आ कहिथिले आज भी महिला माने जौन शोषण रो शिकार होउछन्ति। एथने दिल्ली पुलिस 16 मार्च राहुल गांधी को नोटिस पठाई प्रश्न करथिले केउ महिला संपर्क में राहुल एभली बयान देछन्ति। राहुल गांधी से महिला ना पुलिस रे दियंतु। दिल्ली पुलिस सूचना अनुसार राहुल एपर्यंत दिल्ली पुलिस को उत्तर देई नहांती। नोटिस रो कारण एवं उत्तर न मिलिबारु आज एभली राहुल को बासभवन में हाजर हो जाइछि पुलिस। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को नोटिस देबा परे केन्द्र को टार्गेट करिछि कांग्रेस आउ कहिछि आमे आईन अनुसार उपयुक्त समय रे नोटिस रो जवाब देबो। सरकार भयभीत होई एभली करूथिबा कहा जाइछि। दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटर्न में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है, उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस जाओ, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस कह रहा था नोटिस इनको माफ नहीं करेगा, आना पड़ा, पुलिस कह रही है। अरे बोले तो माफ नहीं करेगा, पूरा देश इन हरकतों को देख रहा है, चाहे मोदी जी हो या चाहे अमित शाह जी हो, इनका अहम और घमंड जो है चकनाचूर होगा। देश में डेमोक्रेसी कायम रहनी चाहिए, ये संकल्प पूरे देशवासियों का है। ये डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, ये फासिस्ट लोग हैं, चेहरा पहना हुआ लोकतंत्र का। आज जो हरकतें हो रही है, पत्रकार साहित्यकार लेकर सब जेल में बंद रहते हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे इनका दबाव है, पूरा देश देख रहा है इनको। आज की हरकतों में समझता हूँ बहुत गंभीर है, देशवासी को समझना चाहिए एक देश की दिशा में जा रहा है और देश को बचाने के लिए सबको आगे। आत्मघोषित सिख धर्मगुरु तथा स्वतंत्र खलिस्तान प्रदेश गठन समर्थक अमृतपाल सिंह फेरार हो जाएछि, ताकु पलातक घोषणा करिछि जालंधर पुलिस। अमृतपाल सिंह को धरिबा पई पंजाब विभिन्न स्थान में वर्तमान चढ़ाऊ जारी रही। गत काली रातिर पंजाब पुलिस पक्षर् अमृतपाल पैतृक घर जलुपुर खेरारे चढ़ाव करा किंतु ता पूर्वरु ही से फेरार हो जाइथिला। अमृतपाल फाइनान्सर और सुरक्षाकर्मी 78 जन को गिरफ्त करा जाइछि। आईन श्रृंखला परिस्थिति एड़ाइबाकु आसंता काली दिन 12 जाए सारा राज्य में इंटरनेट बंद रखा जाइछि। पंजाब रे वर्तमान हाई अलर्ट। अमृतपाल घर रे खैरा रे बहु संख्या रे पुलिस और अर्धसामरिक बाहिनी मुतयन होती। गत वर्ष फेब्रुआरी रे अभिनेता दीप सिद्धूंकर सड़क दुर्घटना रे मृत्यु होता बेले द्वारा गठित कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब देर नेतृत्व नेउछंती अमृतपाल। जो चिंताधारा रखुवा अमृतपाल कट्टरवादी चिंताधारा रखुचंती एवं किसी वर्ष धरी से पंजाब रे सक्रिय अछंती। जुआड़ा जाती से समर्थक माने बंधुक धरी सहित था। गत मास 23 तारीख में अपहरण मामलें अमृतपाल सहयोगी लवलीप्रीत सिंह को पुलिस गिरफ्त करथिला, किंतु अस्त्रशस्त्र धरी हजार हजार समर्थक पहुंची थाना रे एवं पुलिस को भंगारुजा करने पुलिस थाना को पुलिस उपरे आक्रमण करते जो जड़े एसपी समेत 6 जन कर्मचारी पुलिस आहत होते। तेरे लोकों आक्रोश देख लवलीप्रीत सिंह को छाड़ी पुलिस और परवर्त पर्यायर पंजाब पुलिस को बहु समालोचनार शिकार होगा पड़ा। लेकिन हम लोग को तो अभी तक उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अभी किधर है, क्या है, उनके अरेस्ट है, बाहर है, हैं? लेकिन इतना के पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई अलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको, तो अगर वो मिलेगी तो फिर हम उसके वादी कोई बात कर पाएंगे।
तो पुलिस ने कुछ बताया आपको जो आए थे? कोई नहीं, वो बोले कि सीनियर अफसर भी आए थे, एसएसपी दो डिस्ट्रिक्ट के थे, तो उन्होंने भी अभी तक बोले कि अभी हम लोग को भी उनको भी बोलता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं अभी वो हमसे छुपा रहे हैं। बताया कि कोई अरेस्ट करना है या ऐसा कुछ? वहाँ वो लोकप्रिय ओडिया